खबरों के बीच रुख करेंगे चंदौली की ओर। चंदौली के सांसद एवं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर निर्माणाधीन बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने मेडिकल कॉलेज की प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। महेंद्र नाथ पांडे ने मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के बाद अपने संसदीय क्षेत्र का तूफानी दौरा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यूपी और बिहार बॉर्डर पर बनने वाला यह मेडिकल कॉलेज अगस्त तक तैयार हो जाएगा और जल्द ही इसका उद्घाटन हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज बनने से BHU पर दबाव कम हो जाएगा और इसका फायदा चंदौली और बिहार दोनों को होगा। डीएम सर, ये मेडिकल कॉलेज कब तक बनकर तैयार हो जाएगा और इसकी क्षमता क्या है और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर होंगी? देखिए, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है। लगभग 13 एकड़ की टोटल यहाँ पर ज़मीन है और 149 करोड़ इसकी कॉस्ट है। सभी फैसिलिटीज जो एक मॉडर्न मेडिकल कॉलेज में होती है वो सभी यहाँ पर रहेगी। उसके अलावा एक 300 बेड का हॉस्पिटल भी बनेगा, जो कि हमारा एग्जिस्टिंग कमलापति त्रिपाठी हॉस्पिटल है, उसी के परिसर में बनेगा। और कुल मिला के, जैसे मैंने बताया कि जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ एक मेडिकल कॉलेज में होनी चाहिए वो सभी रहेगी। वैसे तो ये प्रोजेक्ट 9 जून आज कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा बहुत डिले है, तो 1 महीने के अंदर हम लोग इसको पूरा करा लेंगे और जल्द ही इसका उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से। सर, चूँकि बिहार से सटा हुआ जनपद है चंदौली और यूपी बिहार के बॉर्डर पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो कितना बड़ा अचीवमेंट है यूपी बिहार के लोगों के लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जितने भी हमारे जनपद, वो चाहे अंतर्राज्यीय बॉर्डर पे हो या अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे हो, वो सभी हमारे जनपद जो है एक प्रकार से एक उदाहरण होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में आप जब भी एंटर करें तो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का विकास हो रहा है वो दिखना चाहिए। तो उसी मंशा के तहत ये मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर एक ऐसी जगह पे बनाया जा रहा है जहाँ पर अंतर्राज्यीय बॉर्डर है। इसके अलावा एक हम लोग अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय हब भी बना रहे हैं, BW भी बना रहा है, वो भी हर प्रकार की फैसिलिटी उसमें भी उपलब्ध रहेगी। तो कुल मिला के लाभ न केवल यूपी को होगा, बट जैसा आपने बोला कि क्योंकि बॉर्डर पर है और ऑलरेडी बहुत लोग यहाँ पर हमारे जो संयुक्त चिकित्सालय है चंदौली में, उसका लाभ ऑलरेडी अन्य राज्य के लोग भी ले रहे हैं, तो डेफिनेटली मेडिकल कॉलेज का लाभ उन्हें भी मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारा जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है चंदौली, उसके अंदर एक मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, जिससे कि पूरे जनपद के जो लोग हैं उनको सबसे अधिकांश लाभ इसका होगा। यह जैसा मैंने आज यहाँ विकास तीर्थ अवलोकन के क्रम में माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के सौजन्य से ये जो मेडिकल कॉलेज चंदौली को सौगात मिला, भारत सरकार की पहल पर, राज्य सरकार के सहयोग से उसका अवलोकन करने आया। यह इनको टारगेट जुलाई के तक पूरा करने का था, लेकिन अगस्त तक ये पूरा कर देंगे ऐसा मुझे भरोसा दिया है। और उसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करेंगे कि इसका सिविल लोकार्पण डॉक्टर लेंगे आपसे। यूपी बिहार बॉर्डर पर ये स्थित है, चूँकि बनारस नज़दीक है, और इस मेडिकल कॉलेज के बनने से क्या BHU का लोड कम होगा और बिहार राज्य के लोगों को भी लाभ मिलेगा? निश्चित तौर से BHU का लोड भी कम होगा, बिहार राज्य को लाभ मिलेगा। और जो हमारी केंद्र की मोदी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो मेडिकल सुविधाएं बढ़ाई हैं कि हर आदमी को उच्च स्तरीय इलाज उसके नज़दीक ही मिले, उसमें यह NH19 पर सबसे कारगर सहायक साबित होगा मेडिकल कॉलेज, और उसमें इसी रोड पर बनने वाला ट्रामा सेंटर और सोन में सुहागा होगा।